गर्मियों के मौसम में हुई बिजली की किल्लत से सबक लेते हुए हरियाणा सरकार बिजली आपूर्ति का खास ख्याल रख रही है। वहीं हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने राज्य की बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बिजली कमी को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार ने कार्य योजना बनाई है। इस कार्य योजना के तहत हरियाणा में अब नहरों में और सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाएंगे। रणजीत सिंह चौटाला का कहना है कि सरकार लोगों को बिजली की किल्लत से पूरी तरह से मुक्ति दिलाना चाहती है। प्रदेश के नहरों पर सोलर पैनल के जरिए पावर प्लांट लगाने की योजना पर भी सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और क्या कुछ कहा बिजली मंत्री ने, सुनिए। उन्होंने देखा है कि नहरों पे उन्होंने सारी नहरें कवर कर रखी है सोलर प्लेट से। आपने कभी देखा नहीं था, मैं तो गांव में रहा हूँ, जब बहुत बरसात होने लगती थी तो हम नहर में पुलिया के नीचे चले जाते, पुलिया के नीचे एकदम गर्म वातावरण मिलेगा तो मॉइस्चर जो निकलता है ना जी, उससे प्लेटें ज़्यादा हीट पकड़ेंगी और उसके नीचे आप जाए नहीं सके, इतनी गर्मी हो जाती है तो वो प्लेटें ज़्यादा जल्दी मतलब सौर ऊर्जा जो है पैदा करती है। तो हमने ये कराया कि बड़ा डिजाइनदार जिसमें पटड़ियाँ, पहले लोग पटड़ी पे चलते थे, उसको भी साथ कवर कर रहे हैं और इसे डिजाइन से बढ़िया करके, पहले जो बाकटा कैनाल की नहरें हैं, आपका करनाल कैनाल है या ये फतेहाबाद ब्रांच है, इनको हम नरवाना ब्रांच है, इनको कवर करेंगे और उससे हमारा मतलब हम पावर में सेल्फ सफिशियंट हो जाए। क्योंकि आपके जो नॉर्दर्न इंडिया में क्राइसिस आया, हालांकि हमने तो 2 दिन में संभाल लिया था पर बाकी स्टेटों को बहुत झेलना पड़ा, वो कर रहे हैं। एक तो सोलर से हम कर रहे हैं, दूसरा हम एक जो है ना जी, एक कंप्रेस्ड बायोगैस का हम 4 प्लांट लगा रहे हैं जो हमारे ऑलरेडी अप्रूव हो गए, जिसमें पराली जो है एक तो वो पोल्यूशन चेक होगा, उनको उनमें हम लेके उससे प्रोडक्ट जो बनेगा, उससे वो गैस जो बनेगी उससे आपकी छोटी कारें कुरें ये गाड़ियाँ ये चलने लगेगी और बिजली भी पैदा होगी। जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने हरियाणा के जेलों में पंजाब से बेहतर व्यवस्था देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के सांसद प्रताप सिंह बाजवा भी हरियाणा में जिलों की व्यवस्थाओं की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के जेलों में भी हाई क्रिमिनल कैदी हैं, लेकिन हरियाणा के जेलों की सुरक्षा पंजाब से बेहतर है। प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने हरियाणा की जेलों की तारीफ करी, ये बराबर की पेरेंट सीट है, हमारा दोनों का एक्ट और कानून एक है। उसके बाद हरियाणा की जेलों में इतने इतने बड़े अपराधी हैं, कश्मीर के डेट नोट हरियाणा की जेलों में है जो पंजाब में नहीं है, और जितने जहाँ आपका तिहाड़ में जगह नहीं मिलती वो क्योंकि हम दिल्ली के पास हैं, बड़े बिल्डर सारे जो इस तरीके के जब बहुत नामी आदमी हैं वो हरियाणा के जेलों में हैं और आज तक भी ये घटना नहीं है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा प्रशासन, हमारे DGP, हमारे सुपरिटेंडेंट जेल सब बहुत तरीके से सीरियसली निभा रहे हैं और हमें जब भी जेल डिपार्टमेंट में, अभी आज तक कभी कोई मुख्यमंत्री कभी वर्कशॉप में नहीं बैठे, हमारे सारे सुपरिटेंडेंट जेल थे, हमने तिहाड़ जेल के DGP को भी बुला रखा था और उसमें एक वो तिनका करके लड़की चलाती है, बहुत अच्छा काम कर रही है वो, उनको भी बुला रखा, 6 घंटे वर्कशॉप चली और हमारे सारे स्टूडेंट को कि भाई आपको जेल में वो यूनिफॉर्म में नहीं रहते तो क्या आपको यूनिफॉर्म के जी फिर गाड़ी होनी चाहिए, नहीं बस में चलें तो होता है, तुरंत सभी को गाड़ियाँ दी, सभी को यूनिफॉर्म दी, अब SP की यूनिफॉर्म में रहेंगे। जब ऐसे इंसेंटिव हमें मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जेल हमारी सबसे बढ़िया है। रणजीत सिंह ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वो और बाकी के कुछ निर्दलीय विधायक भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन जीत हासिल करेगा ये तो चुनाव होने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि द्रौपदी मुर्मू ही राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करेंगी। सिरसा से सत्ताम सिंह, पंजाब केसरी TV।